किसी महिला के लिए माँ बनना जीवन का सबसे सुखद एहसास है, इसलिए ये जरूरी है कि हर एक माँ अपना अच्छे से ख्याल रखे ताकि वो प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के दौरान स्वस्थ रहे। दुर्भाग्य से प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है। WHO के आंकड़े ये बताते हैं कि बच्चों को जन्म देने के दौरान हर घंटे 5 महिलाओं की मौत होती है। समीर, इन आंकड़ों को देखकर मैं वाकई हैरान हूँ। स्वस्थ प्रेगनेंसी के लिए बच्चे के जन्म से पहले की देखभाल बेहद जरूरी है। प्रेगनेंसी को लेकर देश भर में कई तरीके की बातें कही जाती हैं। इसलिए आज डॉक्टर्स ऑन कॉल की इस कड़ी में हम इन बातों पे गौर करेंगे कि माँ और बच्चे दोनों के लिहाज से स्वस्थ और सुरक्षित प्रेगनेंसी के लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर समीर गुप्ता। और मैं हूँ डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, और आपका डॉक्टर्स ऑन कॉल पे स्वागत है। पूरी प्रेगनेंसी को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। हर हिस्सा 3 महीने या 12 हफ्तों का होता है। जन्म से पहले देखभाल के हिसाब से किसी महिला की प्रेगनेंसी के दौरान नियमित मेडिकल और नर्सिंग संबंधित देखभाल बहुत जरूरी है। जन्म से पहले बेहतर देखभाल के तहत होने वाले मेडिकल चेकअप से किसी समस्या की शुरुआत में ही पहचान हो जाती है, और इससे माँ और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकती है। भारत सरकार के मुताबिक प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के लिए कम से कम 4 बार चेकअप जरूरी है, जिसके लिए सुझाव उनकी वेबसाइट nhp.gov.in/healthy-living-pregnancy पर आपको मिल जाएगी। पहली विजिट 12 हफ्ते के भीतर या प्रेगनेंसी की संभावना होने पर, दूसरी 14 से 26 हफ्ते के बीच, तीसरी विजिट 28 से 34 हफ्ते के बीच, और चौथी विजिट 36 हफ्ते से डिलीवरी तक होनी चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रेगनेंसी के दौरान पारंपरिक खान पान में बहुत फर्क है, जो सांस्कृतिक और मान्यताओं से जुड़े हैं। लेकिन वैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक हमें कुछ बातें जरूर याद रखनी चाहिए। इस बारे में और जानकारी के लिए हम बात करते हैं एम्स में गायनेकोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रीता माहे से। प्रेगनेंसी हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, तो हर प्रेग्नेंट लेडी को ये पता होना चाहिए कि क्या खाना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्या नहीं खा सकते, नहीं, हम एक नॉर्मल डाइट जो खा रहे हैं डेली वही खाना है, बट ये है कि 300 से 400 किलो कैलोरीज पर डे हमारी एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। तो इस रिक्वायरमेंट में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ कंप्लीट होने चाहिए। सो ये हम बताते हैं, स्पेशली पहले 3 महीने में तो लेडीज़ कुछ ले नहीं पाती हैं। सो इस चीज़ में इतना डरने की और घबराने की बात नहीं है कि हम पूरा नहीं ले पा रहे हैं। सो 3 महीने के बाद जब बॉडी का हार्मोन्स वो लेवल्स कम हो जाते हैं तो हम अपने आप लेडी लेना शुरू कर देती है। तो एटलीस्ट 4th महीने के बाद टिल डिलीवरी 300 से 400 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए हमें प्रेगनेंसी में। हाँ, अपनी नॉर्मल आहार के साथ साथ हमारे 3 चीज़ें हैं जो मिनरल्स हमें चाहिए एंड विटामिन। सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉलिक एसिड, इसकी ज़रूरत हमें प्रेगनेंसी के पहले 3 मास में पड़ती है। इसका मेन काम है बच्चे के ब्रेन को डेवलप करना। तो हम सारी प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर जो लेडीज़ अपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि एक फॉलिक एसिड की टैबलेट डेली लेनी है, 400 माइक्रोग्राम चाहिए पर डे, एंड ये जैसे प्रेग्नेंट होते हैं तब से लेके पहले 3 महीने तक डेली लेनी है। तो ये इसका मेन है, हेल्प करता है बच्चे का ब्रेन डेवलप होने के लिए। एंड देन 4th महीने के बाद डिलीवरी तक आयरन कैल्शियम बहुत जरूरी है। आयरन की टैबलेट 1 बार और कैल्शियम की टैबलेट दिन में 2 बार लेना बहुत जरूरी है, और ये एक नॉर्मल डाइट के साथ साथ एक्स्ट्रा लेना है, बिकॉज डाइट हमारी कभी भी कैल्शियम की उसकी को पूरा नहीं कर सकती है। और ये आयरन कैल्शियम की टैबलेट डिलीवरी के बाद भी 3 से 6 महीने तक हम बताते हैं। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर हम सोचें तो जब हम प्रेगनेंसी होती है पहले 3 महीने में तो हम समझाते हैं कि भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, एंड बट ये है कि पूरा बेड रेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। हर प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपके ऑब्स्टेट्रिशियन ने बताया है, तो एक अपना रूटीन वर्क एंड काम कर सकती है। लेकिन हैवी वेट लिफ्टिंग और अनड्यू ट्रैवलिंग हम अवॉइड करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर लाइक चौथा पाँचवा छठा मास कंपैरेटिवली सेफ होते हैं, उसमें ट्रैवलिंग और वो सबको इतनी मनाही नहीं होती है, प्रोवाइडेड आपका डॉक्टर आपको चेक करके बोल दे के ठीक है। बाकी थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर हम ट्रैवलिंग और हैवी वेट लिफ्टिंग ये सब चीज़ मना करते हैं टिल डिलीवरी,
बिकॉज उस टाइम पे थोड़ा सा रिस्क रहता है प्रीटर्म डिलीवरी का। इसके लिए ये है कि प्रेगनेंसी एक तो शुरू से जब हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो गई है तो हमें ऑब्स्टेट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर को, एंड हमें बताना चाहिए कि हम कोई पहले से कोई दवाई तो नहीं ले रहे हैं। एक तो ये है कि कुछ चीज़ों को हम रूल आउट करते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना, एनीमिया बहुत बड़ा है कि खून की कमी जो होना उससे प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो उस चीज़ को हम एक ना हो उसके लिए हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, हम ब्लड शुगर चेक करते हैं बिकॉज इंडिया में अभी भी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री बहुत है और हमारा डाइट और हमारा रहन सहन ऐसा है कि डायबिटीज़ अभी भी इतना ज़्यादा है, तो उसको हम स्क्रीन करते हैं। एंड दूसरा, एक अल्ट्रासाउंड पहले 3 महीने में होना बहुत ज़रूरी है जब भी प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है, बिकॉज कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो टाइमली डायग्नोज होना प्रेगनेंसी के ठीक जगह पे है वो बहुत ज़रूरी है। एंड फिर दूसरा है कि हम क्या क्या, कई बार कुछ पेशेंट कोई दवाई ले रहे हैं किसी अपनी मेडिकल डिजीज़ के लिए, किसी को सीजर की प्रॉब्लम है, कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है या कोई हार्ट डिजीज़ है, तो वो सब दवाइयाँ डॉक्टर को दिखानी और कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी दवाइयों में से कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बच्चे के लिए पूरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो वो प्रेगनेंसी के स्पेशली पहले 3 महीने में नहीं लेनी चाहिए, तो उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बच्चे में प्रॉब्लम आएगी। एंड और है कि प्रेगनेंसी में हर गर्भवती महिलाओं को टेटनस टॉक्सॉइड के 2 इंजेक्शन लगने हैं, ये भी लगने चाहिए 4th महीने के बाद, कभी भी ये इंजेक्शन लग सकते हैं 1 मास के इंटरवल पे, एंड आयरन कैल्शियम लेते रहें प्रेगनेंसी में। और है कि हर प्रेगनेंसी एक हॉस्पिटल में बुक्ड होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दैट सारी डिलीवरीज जो हैं हमारे हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए, बिकॉज जब ये डिलीवरीज घर में होती हैं या अनअटेंडेड होती हैं या दाई से होती हैं, ये फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसकी ज़्यादा, डिलीवरी के टाइम भी और बाद में बच्चे को और माँ को दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छी बात ये है कि सरकारी योजनाओं की मदद से जच्चा मृत्यु दर जो 2007 में 212 प्रति 1 लाख था, उसे 2012 में घटाकर 178 प्रति 1 लाख लाया गया है। हालांकि इसमें अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है, खासकर देश के ग्रामीण इलाकों में। लेकिन याद रखिए, नियमित मेडिकल चेकअप और संतुलित आहार प्रेगनेंसी के लिए सबसे जरूरी है। उम्मीद है आपके लिए ये जानकारी फायदेमंद होगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी डॉक्टर्स ऑन कॉल पर।